गठबंधन को अली पर विश्वास है तो हमें बजरंगबली पर, ये कहना है आदित्यनाथ योगी का। क्यों नहीं है अब उन्हें भगवान श्री राम पर विश्वास? बीजेपी वालों ने हमेशा से ही राम आलाप रागा है। राम मंदिर की बात लेकर 2014 के अंदर आए थे, 5 साल में नहीं बना राम मंदिर। प्रथम चरण के चुनाव के लिए मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में गढ़ रोड के किनारे सियोली गांव में सभा में आदित्य योगीनाथ 1.25 घंटे अपने निर्धारित समय से देरी से आए, और आते ही उन्होंने मुद्दों की बात नहीं करी, काम की बात नहीं करी। उन्होंने सीधा कहा कि गठबंधन को अगर अली पर विश्वास है तो हमें बजरंगबली पर, क्यों नहीं है आज उनको भगवान श्री राम पर विश्वास। अली के बदले बजरंगबली की बात कहकर योगी ने हिंदू मतों को एकजुट करने का प्रयास किया, बहाना बनाया। मायावती के 2 दिन पहले देवबंद में भाषण को बनाया, बोले मायावती जी ने कहा हमें केवल मुस्लिमों का वोट मिल जाए, बाकी गठबंधन को कोई और वोट नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस सपा बसपा रालोद को अली पर विश्वास है तो हमें बजरंगबली पर विश्वास है। अगर हम लोग बजरंगबली की बात करें तो बजरंगबली को आदित्यनाथ योगी ने ही कहा था कि ये दलित हैं, तो अगर दलित हैं तो बजरंगबली कहां जाएंगे, आप समझ सकते हैं। जब बीजेपी को नहीं दिख रहा सहारा उनके अपने कार्यकाल के अंदर, नोटबंदी GST जैसे मुद्दे काम नहीं आए, राम मंदिर काम नहीं आया, तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया भगवान श्री हनुमान का नाम, और वो नाम लिया जबकि वो पहले बता चुके हैं कि जो बजरंगबली हैं वो दलित समाज से थे, शूद्र समाज से थे। तो अब बजरंगबली भी कहाँ जाएंगे ये सारी जनता जानती है, क्योंकि बजरंगबली बहुजन समाज के साथ ही हैं, SC ST OBC के साथ हैं, तो नहीं मिल पाएगा बीजेपी को अब बजरंगबली का भी साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।